7 बजे से 9 बजे तक गैस सही आती है, उसके बाद में गैस नहीं आती। फिर 2 बजे तक बैठे रहो बस बिल्कुल चिराग जैसी जलती है कि चाय भी नहीं बन सकती है। फिर उसके बाद में 4 बजे गैस थोड़ी तेज़ होती है, बस फिर उस टाइम पे जल्दी जल्दी बस खाने पकाने का कर लो, फिर 7 बजे के बाद गैस ख़त्म। फिर उसके बाद क्या कहते हैं ना आती है, क्या कहते हैं ना 12 बजे थोड़ी सी तेज़ होती है, मामूली सी, फिर 12 बजे के बाद बिल्कुल चली जाती है। फिर सुबह आती है 6 बजे, फिर सुबह 6 बजे तक बैठे रहो। बहुत ज़्यादा तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया इसी परेशानी में, और लकड़ियाँ जला जला के गुजारा कर रहा है समझ लो। हुकूमत से ये अपील करें कि मतलब गैस तो कम से कम सही आए, ताकि खाना पकाना तो क्या कितना ढंग से इंसान पकाए, रोज़ाना बाज़ार से कौन मंगाएगा भाई। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से ये इतनी परेशानी, बेरोज़गारी, हर तरह से हुकूमत ने मारा हुआ है। से हम बहुत परेशान हैं इन दिनों में, कि सुबह सुबह गैस आती है बस सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, जब नाश्ता वाश्ता बनाते हैं उस टाइम हम, फिर उसके बाद गैस चली जाती है, फिर सारा दिन नहीं आती, फिर शाम को 4 बजे आती है, तो थोड़ा सा खाना वाना बना देते हैं, फिर गैस चली जाती है, तो रात को जैसे गैस जाती है तो 12 बजे जाती है, तो सुबह 6 बजे आती है। हम गैस की वजह से बेटा बहुत परेशान हैं, कुछ हमारा मदद करो। तो हुकूमत से अपील करते हैं कि बच्चे से परेशानी है, कब सिलेंडर लगाएँ, कैसे सिलेंडर लगाएँ, कैसे खाना बनाएँ। भाई हमारे को गैस की बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम ना जब खाना पकाने बैठते हैं, जब खाने का टाइम होता है, जब बच्चों का टाइम, स्कूल का टाइम होता है, काम पे जाने का टाइम होता है, तो इस वजह से हम परेशान होते हैं। बाज़ार से हमारे को नाश्ते की चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, तो इस वजह से हमारी इमकन भी इतनी नहीं है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रहे हैं कोरोना की वजह से, जल्दी बाज़ार बंद हो जाते हैं। मज़दूर इंसान है, क्या करें। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ मदद की जाए, या ना या लॉकडाउन का सिस्टम ख़त्म किया जाए, जिससे कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। और गैस की वजह से हमें बहुत परेशानी है, खाने की परेशानी होती है, रात में लाए शाम में हमारे पास गैस नहीं होता, जिसकी वजह से हम बच्चों को चाय तक के नहीं पिला सकते। अब इतनी सर्दी पड़ रही है तो हम क्या करें इसके लिए। रोटी भी बाज़ार से मंगानी पड़ती है, तो बाज़ार में भी गैस ना होने की वजह से किल्लत हो जाती है, इतनी महंगी रोटी खाना वगैरह मिलता है हमारे को बाहर से। गैस नहीं आ रही भाई, बहुत परेशानी होती है खाना पकाने की। अब बाहर कैसे जाए, बाहर कहाँ से मंगाएं, दुकानें बंद होती हैं। सुबह तो होती है, 12 बजे के बाद से नहीं होती है। बस यही गैस तो दें, जब बिल भेजा रहा हो तो आप गैस तो दो ना, बिल तो बढ़ा दिए मेरे से बोलो। गैस है ना हमारे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट वही बिल भेजा रही है गैस के, और हमारे बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। हम गैस की वजह से बहुत परेशान हैं, कि जारी बात है बच्चे भी जाते हैं स्कूल, शोर भी, बच्चे भी काम पे जाते हैं, हम बहुत मसले, मेहरबानी करके गैस का कोई मसला हल करें, नहीं तो बिल पे करें, क्योंकि जारी बात है लॉकडाउन है, इसके अंदर आवाम वैसे ही परेशान बहुत, तो लिहाजा गैस का कुछ हल निकालें।